नाटो जनरल सेक्रेटरी जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने स्टॉकहोम में यूरोपीय संघ की बैठक में कहा है कि बखमुट अशरकी यूक्रेन का वह शहर जिसने हाल के महीनों में शदीद लड़ाई देखी है, रूस ने अपने ताबड़तोड़ हमले से बखमुट को कमजोर करने का काम किया है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में रूसी कब्जे में आ जाए। उन्होंने कहा है कि रूस ने अपना सारा सैन्य जोर लगा दिया है ताकि बखमुट पर जल्द ही कब्जा किया जा सके। अमेरिका में न्यूयॉर्क की एक यूनियन कोर्ट ने यूक्रेन पर हमले के लिए रूस के खिलाफ अमेरिकी पाबंदियों का हवाला देते हुए एक रूसी ऊर्जा कंपनी के कब्जे वाले 2.5 करोड़ डॉलर के बोइंग 737 को जब्त करने की मंजूरी दे दी है। विमान का कब्जे पीजेएससी रोसनेफ्ट ऑयल कंपनी के पास है जिसका हेडक्वार्टर मॉस्को में है और इसका नेतृत्व प्रतिबंधित इगोर इवानोविच सेचिन कर रहे हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस के प्रमुखों का दावा है कि चीन संयुक्त राज्य अमेरिका को चैलेंज देने की कोशिश करने के लिए रूस के साथ अपनी हिमायत को गहरा कर रहा है। सीनेट की सुनवाई में बोलते हुए अमेरिकी जासूस प्रमुखों ने कहा है कि वो चीन को रूस को मदद फराहम करते हुए देखते हैं। नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक एवरिल हैंस ने भी कहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने इलाकाई मकसद को हासिल करने में अमेरिका को एक मुखालिफ के तौर पर देखते हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चीफ और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर तोशाखाना मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। इमरान खान को 13 मार्च से पहले निचली अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तोशाखाना मामले में अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि मामले को अदालत से बाहर कर दिया जाएगा। पाकिस्तान पुलिस और साबिक वजीर आजम इमरान खान के समर्थकों के हिंसक झड़प में आंसू गैस के गोले दागे गए और जमकर लाठीचार्ज हुआ। पाकिस्तान वजीर इत्तलात ने कहा है कि हिमायतियों ने पुलिस पर तब हमला किया जब उन्हें तितर बितर होने का हुक्म दिया गया। वजीर ने कहा है कि कम से कम 7 पुलिस अफसर जख्मी हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 मेंबरान को गिरफ्तार किया गया। साबिक मलेशियाई वजीर आजम मुहीउद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के इल्जाम एंटी करप्शन एजेंसी ने तलब किया है। साबिक वजीर आजम पर अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कामों में धांधली का इल्जाम है। मुहीउद्दीन ने, जो कि 2020 और 2021 के बीच 17 महीने तक वजीर आजम रहे, उन्होंने अपने ऊपर लगे इल्जामों का खंडन किया है और इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया। तुर्की में आए जलजले में 52,000 से ज्यादा हुई मौतों और जख्मियों के परिवारों की मदद के लिए धीमे पड़ते सरकारी तंत्र के मुखालिफत में इस्तांबुल की 5 खवातीन ने मुजाहिरा किया जिन्हें एक दर्जन से ज्यादा पुलिस वालों ने घेर कर गिरफ्तार कर लिया। खवातीन ने पुरमन तरीके से मरे हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए मंत्रोच्चारण करते हुए मुजाहिरा किया। इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर काबुल से लेकर मेक्सिको सिटी तक सड़कों पर उतरे खवातीन पर बढ़ते हमले के खिलाफ पुरअमन मुजाहिरा करती खवातीन ने महासा मिनी विरोध प्रदर्शनों के ईरान के दमन के साथ और गर्भपात के अधिकारों पर नए अमेरिकी प्रतिबंध और यूक्रेन युद्ध को लेकर मार्च किया। इंडोनेशिया के सुदूर नाटुना द्वीप समूह के एक गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से कम 21 लोगों की मौत हो गई है। भूस्खलन का सबसे बड़ी वजह मूसलाधार बारिश का होना है। जेंटिंग गांव में 30 घरों के चारों तरफ पानी भर जाने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। रेस्क्यू करने वाली एजेंसी ने 200 से ज्यादा बचाव कर्मियों की तैनाती की है। राष्ट्रीय आपदा इंतजामी एजेंसी के प्रमुख सूर्यहर्तो ने कहा है कि 8 लोगों को जख्मी हालत में जिंदा बाहर निकाल लिया गया है जिनमें से 3 की हालत जख्मी है। एक इंडोनेशिया अदालत ने 2 फुटबॉल मैच अधिकारियों को दुनिया के सबसे घातक स्टेडियम में भगदड़ होने के संबंध में लापरवाही का दोषी पाया है जिनमें से एक अधिकारी को 1 साल की जेल हुई है और दूसरे को 18 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। 1 अक्टूबर 2022 को ही भगदड़ में 135 लोगों की मौत हो गई थी।
पीड़ितों में 40 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। 300 से ज्यादा लोगों को पास के अस्पताल में ले जाना पड़ा।